ये आ गए हम लोग लेने के लिए कंबल, ये वाले ये गरम करते हैं। ये शॉप है, ये सेक्टर 17 में है। हम नहीं दिया उस दिन, हम गए थे वहां से ले आए होते। कटे वटे तो नहीं होना भाई? नहीं भैया, नई लाट खोली है अभी। यहाँ से वहाँ तो बहुत महंगे कंबल बता रहे हैं। अगर एक दिन का लेट हो जाता मैं बुद्ध बाजार से पक्का जाके लेके आती, वहाँ मिल भी जाते। और अभी फिलहाल मैंने 9 कंबल लिए हैं, जो उन्होंने लास्ट प्राइस 110 रुपए लगाया है। ये अभी हम देख रहे हैं और किसी शॉप पे और मिल जाएगा तो मैं और ले लूँगी। इनके पास इतने ही पीस हैं इस वाले कंबल के, बोले भैया कल ले जाइए, मैं कुछ शॉप, इससे ज़्यादा पीस होते तो मैं ले लेती, लेकिन अभी उनके पास इतने ही पीसेज हैं और मैं ढूंढ रही हूँ और भी कुछ मिल जाता है। और लास्ट वीडियो का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सब कुछ आपको दिखा क्यों रही हूँ। मतलब तो बहुत लोग अभी से कमेंट करने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे कि आप ये सब कुछ दिखा क्यों रहे हो, तो लास्ट ज़रूर देखिएगा वीडियो का, मैं बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। ये वाली आप पकड़ लीजिए पॉलिथीन, ये मैं पकड़ लेती हूँ। गन्नू भैया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब मैं कितनी गंदी लड़की हूँ जो नवीन भैया को मैंने पीछे बिठाना हुआ है और खुद मैं आगे बैठी हूँ। भैया मिट्टी ने बैठाया उसको, मिट्टी एक्चुअली पता है पास चाहिए उसको। वो मतलब क्या कर रही थी, भाभी के पास आएगी फिर बोलेगी पापा पापा, फिर आगे आती थी, फिर मम्मी मम्मी, फिर पीछे जाती थी। जय भगवान जी, हमने कहा भैया आप पीछे बैठो साथ में दोनों के, आप क्या कह रही है चाची चाची। हमने कहा फिर एक काम करते मंजू को आगे बैठाना पड़ेगा। मतलब मिट्टी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो देख रहे हो, देखा ये बाबा और ये बाबू मेरा, बस अभी अभी मस्त देखो बाबू को मैचिंग कर लिया है, ये जग रहे हैं बाबू मेरे। और इतने कंबल ले लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं सिटी मार्ट, वहाँ से भी ले लेंगे, उसके बाद में पहले खाना खाएंगे फिर बांटेंगे, क्यों भैया है ना, पहले खाना खाएंगे हम लोग फिर बांटेंगे। बिस्किट के पैकेट अभी लेने, जितना चीजें अभी कर पा रहे हैं। हाँ बेटू बताओ, कहाँ गन्नू भैया कहाँ है, गन्नू भैया कहाँ है, सिटी मार्ट से अब चाहिए बगल में उसको, हाँ वहीं से लेना कारनामा। और गन्नू भैया हमारे पीछे चले गए हैं रो रो के, इसने घर भर दिया चाची चाची। कितनी क्यूट लग रही है मिट्टी, तुम फोटो खींचेंगे अब तो मिट्टू के साथ अपनी, अब कहेगी पीछे देखो अब पापा, अब हमको फील हो रहा है पापा पापा पापा, हंसने आई चाची से पापा पापा, ये पापा पापा देखो कैसे दिखा रही है, यही गाड़ी खड़ी कर दीजिए ना यहाँ पे। हाँ अब हम लोग आए हैं सिटी मार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अच्छा। हम आ गए, हमने मिट्टू से कहा मिट्टू हम आपको लेके चढ़ नहीं पाएंगे बेटा। हाँ ये देखो, ये तो ग्रोसरी है, यहाँ पे यही से बिस्किट लेने हैं ना। हाँ पहले कंबल लेके आते हैं फिर बिस्किट लेते हैं, यहाँ से जो समझ में आएगा हम ले लेंगे। यार बहुत लेट हो गया, 9:30 बज गया, ये देखो कल। यही टोपी तो हम यहाँ से बाबू के लिए ले गए थे अपने, सेम यही टोपी चाहिए मिट्टू, मिट्टू चाहिए, अच्छी है बहुत गर्म करती है, अच्छी है ले लो, तो कम चर्च मारते हैं। मिट्टी सोच रही है अभी, हाँ पूछ नहीं रही इस समय। अच्छा नहीं, मिट्टी बस अपनी चाची के पास बड़ी खुश मिलती, चाची चाची मिट्टी बोलो, मैं अमरेंद्र बाहुबली की बहन हूँ, छोटा बाहुबली मिट्टी। बिना मूंगफली खाए आजकल काम नहीं चलता, मैंने पहले कहा कि पहले मूंगफली दे दो उसके बाद में खाना खाने के बाद में सोची जाएगी। आज लेकिन भैया आज बहुत डीपली हर्ट है इस टाइम, क्यों भैया? बहुत सही बात है, बस भैया बता नहीं सकते हैं क्या क्या हो गया मेरे साथ आज। भैया के साथ बहुत कुछ हो गया, मतलब भैया जब से आए हैं तब से मैंने तो देखा भी नहीं भैया के साथ क्या क्या हो गया, लेकिन भैया एक मिनट लो। हाँ 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 क्या क्या लेना आपको, क्यों मूंगफली मांग रही थी ना वो? अच्छा मूंगफली मांग रही थी, मूंगफली आपको खानी है, देखो आंटी ने दी आपके लिए बाबू। आंटी चटनी ज्यादा सी रखिएगा, आपकी चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ ये देखो, और हमारे यहाँ कुछ लोगों को भैया डाउट था कि चटनी के साथ कौन मूंगफली खाता है, हमारे यहाँ चटनी है ना हमेशा दुकानों पे मिलती है चटनी के साथ, तो खाते हैं। हाँ बहुत लोगों का कमेंट आ गया कि चटनी के साथ कौन खाता है, देखना भैया चटनी के साथ देंगे, हाँ हमारे यहाँ दुकानों पे मिलता है। ये छिलका सही बेटा किसने कहा था आपको खाने के लिए,
बढ़िया बेटा खा, बहुत प्रोटीन होता है छिलके में। एक से गुड। हाँ कहीं भी बैठ जाओ। सुंदर यार, नाइस। गुड। ऊपर देखिए, कैसा रहा छोटू? यार तो आप कभी कभार ना बहुत ही गलत काम करते हो, मत क्या करो। बोलो बोलो। क्या बोलो भाई? अरे इतना ढलान पे गाड़ी उतार दी आपने। वो बना उतारने के लिए है। बना नहीं था उतारने के लिए, कुछ भी करते होगा। कहाँ है मेरा गन्नू? ये मेरा बर्थडे बॉय। क्यों ना? मेरा लड्डू गोपाल। तो भाई साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? बेहतरीन, आज खाएंगे लो बाटी चोखा। ये देखो कुएं में गहराई बहुत है यार। देखो अरे पानी इतना गहरा कुआं, लटका लटक रहा है। कितनी अच्छी से कहना मंजू। ये मेरा छोटा बड़ा अच्छा लग रहा है मंजू। तो बहुत गहरा कुआं रहा था। देखिए ये देखो मंजू वाला अपना रोज कहती है गांव का लटक रहा गहराई फोटो लेते हुए हमने क्या फोटो खिंचवा लिए तो नहीं खिंचवा रहे थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से ध्यान से देखिए, यही हो चेहरा। ए छोटू बड़ा अच्छा लग रहा है आज मुझे। और अभी हमने कंबल ये फोटो खींच रहे थे। अरे क्या करते हो, अभी हमने कंबल लिए नहीं। ऐसा लग रहा है मैंने गले में कुछ पहना है। ये देखो रोशनी ना, ऐसा लग रहा है मैंने हाईनेक पहना हुआ है। यार यार नीचे लाइट आ रही है। हां ये देखो लाइट जला दी ना। हां गुड गुड। ये देखिए यहां का ये हां मिट्टी का ये पत्तल, वो ये लकड़ी की थाली। लकड़ी की थाली, पत्तल, मिट्टी, सब कुछ शुद्ध गांव वाला। देखो लकड़ी की थाली। हाँ हाँ देखा मैंने, अच्छी जगह है। ऑर्डर करना है अभी हमें यहाँ पे। हाय फोटो खींचो। हाँ हाँ दीवार में बनी है, काट ले बाबा। ऊपर आओ, ऊपर आओ, आगे आओ।
कूलर ज्यादा गैप है। हाँ, यहाँ की ये प्लेट तैयार है। हमने ऑर्डर किया है दाल और ये है सिरके वाला प्याज और ये भरता, ये और ये, ये हमारी प्लेट है। ये मंजू मैडम की हमारी प्लेट है, है मंजू। ये हमारे बर्थडे बॉय जो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, ये देखो नींद है उसकी, नींद टूट गई है। अब हम लोग जा रहे हैं बस खाना खाने। मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया, मुझे खाना खा लिया। और ये देखिए, ये देखिए सोना बच्चा मेरा, सोना बच्चा है मेरा, कभी खाने के टाइम पे हमें परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। ये देखो, हेलो चोनू, लव यू बच्चा, लव यू सोना। ये देखो 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 देखो, खाने के टाइम पे कभी जल्दी परेशान नहीं करते। अभी ये गोद में हाथ में लिए थे, मैं खिला रही थी खाना, लेकिन ये हुआ चलो लिटा देते हैं, तो इनको हमने लिटा दिया। ये तब से आराम से खेल रहे हैं, टकर टकर करके हम लोगों ने खाना भी खा लिया है मजे में। लेकिन मिट्ठू ने हाहाकार मचा दिया है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या खाया है। एक बात बताए, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सफाई वाले आएंगे ना तो कहेंगे भैया कौन जंगली बैठाता है ना जी। भैया बोलते हैं इसको, भैया बोलते हैं जंगली मिट्टी, जंगली मिट्टी। भैया इसका हाफ आप बंटवारा कर लीजिए बाटी का। तो यहाँ हमने खाना खाया है जस्ट अभी, सुषमा के बिल्कुल पास में ही है। और जिस चीज के लिए मैंने, हाँ जिस चीज के लिए मैंने डांट रही थी, मैं दिखाती हूँ क्या कारनामा किया था इन्होंने। रोड थोड़ी ढलान है, अब उतारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार, कैसे उतारेंगे। यहाँ से इन्होंने उतार दी और मतलब इतना बुरा डर गए हम लोग कि 10 मिनट तक बाहर नहीं निकले सदमे से। यहाँ से ना उतारते तो बाहर निकल लेके आए थे दोबारा फिर। अरे आपने कुछ ज्यादा ही ढलान से वैसे गाड़ी कर दी थी, पता है आपने? बताओ कहाँ से उतारते हैं, कितना बुरा, पता है गाड़ी पूरी 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 और रोड हो गई, रोड पर बताओ कहीं और हो गई टेढ़ी, तो ढाल है तो थोड़ी सी टेढ़ी तो होगी यार। है सोना, नो सोना है सोना। हाँ ये क्या देखो आप मेरा हमेशा बढ़िया।
और ये जाओ भैया जाओ, बस हमारे बच्चे को दुआ दीजिए, उसका बर्थडे है आज। अच्छा, बच्चा का जीवन मंगलमय रहे, ये हमारी दुआ। बस भैया हम चाहते मिल गया, वही मिल गया जो हम चाहत, हम यह चाहते कि उन्हीं वाला ये हमें चाहिए, सॉफ्ट भी होता गर्म भी करता है, और ये उनैया है और यहाँ जो है हाफ दिनों में है, वो हाफ दिन में भी। हाँ बात चलिए दादा, सोइए आराम से, ठंडी लगी जाए, दिनों में है वो लड़का। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, मुलायम है ना, इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया, क्योंकि हमने जो दिया आपको पसंद आया, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को इतना पसंद आया। ये देखिए भैया, इसलिए करते हैं ना ताकि चार लोग देंगे ना, और वो लोग भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं ना आप, है कि मतलब हम दे रहे हैं तो हम चाह रहे हैं ना और लोग भी ये काम करें, तो इसलिए हम फोटो खींच के अगर रखेंगे ना तो हम भी कहेंगे ना आप लोग भी ऐसा करिए, बहुत खुशी मिलेगी। और देखिए ना, हमने दादा को खुश कर दिया। वाले बच्चे हमारे, वाले मेरी बच्ची, हमको चलिए बाबा आशीर्वाद दीजिए। सही बात है, आशीर्वाद दीजिए, बस खुश रहिए। ये देखिए दादा, चलिए सोइए। करते रहिए, अच्छा लगेगा सबको। कुछ नहीं, छोटी छोटी खुशियां हैं। जगा दिए वरना कहीं गिर ना जाए। देखिए भी यहाँ भी चचा सो रहे हैं एक। करिए आप दूसरों को खुशियाँ बांटिए, भगवान आपको खुशी बांटेगा। आज रात में हम लोग इसी तरीके से मस्ती कर रहे हैं। हमारा रिक्शा ऊपर खड़ा है। कहाँ खड़ा आपका रिक्शा? पीछे खड़ा आपका रिक्शा? चलिए चलिए चलिए, आपको मिलेगा, इनका रिक्शा पीछे खड़ा है। ये कहना चाह रहे ऐसा ना हो मिस हो जाए। भाई लो भैया, आपका रिक्शा है। लीजिए। तो ये था हमारा आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा इस वजह से किया बिकॉज हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे करें। मैं भी उनमें से एक थी, मैं हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी लेकिन मुझे वे नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे करूं। जैसे कि जिस दिन मैं विस्पर जब मैं बांटने के लिए गई थी तो मुझे नहीं पता था सबका रिस्पॉन्स कैसा होगा, पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, कैसे रिएक्शन देगा। इसी तरीके से आज भी मुझे नहीं लग रहा, मतलब मुझे लग रहा था कि यार कैसे किसी को देंगे, कोई एकदम से मना कर देगा, कैसे देंगे कैसे लेंगे वो लोग,
क्या रिएक्शन देंगे, मुझे कभी नहीं पता था। ये जिंदगी में मैंने पहली बार करा है, जिंदगी में मैंने पहली बार करा है और इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है ये करके, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ से मैं बताती हूँ कि मैंने कितने कंबल हमने बांटे हैं। हमने जो पूरे कंबल लिए थे, हमने 20 कंबल लिए थे, 9 कंबल हमने वहाँ शॉप से लिए थे और 11 कंबल हमने सिटी मार्ट से लिए थे। जो 11 कंबल लिए थे वो 100-100 रुपए वाले थे और जो 9 कंबल थे वो 110 वाले थे, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के थे। उसके अलावा उनके पास सिर्फ 9 कंबल ही थे, अगर वो ज़्यादा होते तो हम वही क्वालिटी के कंबल लेते, क्योंकि 10-20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाकी मैंने पास की शॉप से बिस्किट, चॉकलेट और टॉफियां ली हुई हैं बच्चों के लिए, जो मैं अभी कल जाऊंगी बच्चों को देने के लिए, क्योंकि आज तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सारे काम कर पाती। और मैंने जानबूझ के हमने रिक्शे वालों को इस वजह से दिया, बिकॉज वो ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको इतना कुछ नहीं मिल पाता है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को मुझे लगा कि हमें देना चाहिए। तो रिक्शे वालों के लिए इस वजह से मतलब हमारा यही था कि हम जो रिक्शे चलाते हैं हम उन्हीं को देंगे, आज हमारा टारगेट उन्हीं लोगों को था, तो हमने सब दिया। 3 कंबल अभी बचे हुए हैं हमारे पास है, जो एक कंबल मैंने मंजू के लिए रखा हुआ है। मंजू के पापा इस टाइम आए हुए हैं तो हम मेरा मन था कि मंजू के पापा को दे, मंजू अपने पापा को देगी तो जाके वो उसकी मम्मी को दे देंगे। और एक मैं अपनी खाने वाली जो मेरी बर्तन वाली आंटी हैं, यानी कि मंजू की जो चाची हैं जो आती हैं, मैं एक उनको देने वाली हूँ, एक उनको दे दूंगी। और एक कंबल मैंने और रखा हुआ था, वो इनकी कोई है जिन्होंने कहा था कि उनके घर के पास में एक बाबा जी रहते हैं, मतलब इनके जो ऑफिस में पियून काम करते हैं भैया, उन्होंने कहा था उनके घर के पास में एक बुजुर्ग इंसान रहते हैं, वो उनको देना चाहते हैं, तो एक कंबल उनके लिए रखा हुआ है। तो 3 कंबल हमने बचा लिए थे, 17 कंबल हमने बांटे हैं और चॉकलेट टॉफियां कल हम बांटने के लिए जाएंगे। और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैंने जितनी बार भी बांटा, सब कुछ दिया, मैंने सबको दिल से थैंक यू बोला इस वजह से, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ हमसे ली है, तो देने वाला बड़ा कभी नहीं होता, लेने वाला ही मैं कहूँगी बड़ा होता है, बिकॉज वो अगर हमसे लेंगे नहीं तो हम देंगे किसे। उन्होंने हमसे लिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो हमसे ले रहे हैं। मैंने जितनी बार दिया है उतनी बार मैंने थैंक यू सो मच बोला है, मैंने बस दिल से यही दुआएं करी है कि भगवान वो सब लोग बिल्कुल खुश रहें और मेरे बच्चे को बस थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी इसके लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, मे बी शायद इतना हम फाइनेंशियली, मैं आज सच बोलती हूँ, मैं इतना शायद हम फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर पाते, लेकिन मैं थोड़ा बहुत करती थी। अपने जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको हमेशा बिस्किट या भी कुछ भी हम खिलाते थे, लेकिन मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ भगवान मुझे इतना दे कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ कर पाऊँ, इन लोगों के लिए थोड़ा सा अमाउंट ही निकाल पाऊँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ हर महीने कर पाऊँ। और बाकी पैसा सबके पास होता है, सारी चीज़ें होती हैं और वे बहुत सारे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हमने ये सोचा है, जैसे कि कल बुधवार है, कल तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, बट मैंने सोचा है कि जैसे कि बुधवार है वहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है 50 और 100 रुपये में जैकेट्स मिल जाते हैं, अच्छे जैकेट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उन्हें छाँटने की देर होती है, पैजामा मिल जाते हैं 50-50 रुपये में पैजामा मिल जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना हम ऐसे ही, हम सोच रहे थे भी बैठ के यही बात कि क्यों ना हम लोग ऐसे ही 50-50 रुपए में अगर हम जैकेट लेते हैं तो 1000 रुपए में हमें 20 जैकेट्स हमें 1000 रुपए में मिल जाएंगी, तो मतलब हम 20 लोगों को वो जैकेट्स दे सकते हैं, तो एटलीस्ट हम 20 लोगों को जैकेट दे सकते हैं। तो मे बी शायद नेक्स्ट बुधवार ना या अगले महीने में करूंगी, क्योंकि इस महीने मेरा जो बजट मैंने रखा था वो मैंने 3000 रुपए का बजट रखा था, अभी उसमें से थोड़ा सा पैसा मेरे पास बचा हुआ है, जिसके लिए मैं जरूर मैं अब स्ट्रीट डॉग के लिए करूंगी, बिकॉज उनको फीड कोई नहीं कराता है। तो मेरा अभी इस टाइम खर्च हुआ है 2400 रुपये ऑलमोस्ट मेरा खर्च हुआ है, क्योंकि मैंने कल 350 रुपये की चॉकलेट टॉफियां वगैरह खरीदी हैं, तो अब जितना पैसा बचा हुआ है तो अब हम डेली या हर दूसरे दिन जाएंगे, जो सड़क में डॉगीज होते हैं उनको मैं बिस्किट या फिर कुछ खिलाने के लिए करूंगी, तो वो पैसा मैं अब उनमें लगाऊंगी। और बाकी आई होप आप प्लीज़ इस वीडियो को मेरे किसी और तरीके से मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी से अगर इंस्पायर होकर मैं ये काम कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ अगर किसी एक ने भी अगर ऐसा कुछ किया है तो आप देखिएगा आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप जाके एक बंदे को भी अगर दे देंगे तो आपको दिल से बहुत खुशी मिलेगी। मेरे पास सिर्फ इतना था, मैंने इतना किया, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करिए, आपके पास कम है तो आप कम करिए, लेकिन थोड़ा सा करिए ज़रूर। भले ही आप जाइए और एक कंबल लेके किसी बुजुर्ग एक इंसान को अगर आप दे देंगे ना, बात 100 रुपए की नहीं है, वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत दुआएं दे देगा।
थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यार दिया, और इस वीडियो को प्लीज़ अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों में सर्कुलेट होगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कुछ करेंगे। और मेरे बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग मिली आज, उसके लिए मतलब मैंने उनको कुछ नहीं दिया लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दुआएँ दी हैं, बहुत दुआएँ दी हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।